सब्सक्राइब माय इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। हाय व्यूअर्स, आई एम इमरान अब्बासी एंड यू आर वाचिंग नाउ इमरान अब्बासी व्लॉग। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वाटर सप्लाई की लाइन इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे, यानी किसी भी घर में या किसी भी विले में या किसी हाउस के लिए जो है एक्सटर्नल वाटर सप्लाई जो इंस्टॉल किया जाता है, इसमें PPR पाइप होता है या UV प्रोटेक्टेड पाइप होता है या PVC पाइप जो है उसकी इंस्टॉलेशन वाटर सप्लाई के लिए की जाती है। तो यहाँ पे हम आपको जो है एक घर में जो है एक्सटर्नल वाटर सप्लाई PPR इंस्टॉलेशन के बारे में बताएँगे। तो हमारे पास जैसे अंडरग्राउंड टैंक ये देख सकते हैं आप, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। तो अभी हमें इसके लिए जो है वाटर टैंक इनलेट की जो लाइन है वो इंस्टॉल करनी है। तो आप देख सकते हैं कि उसके लिए सबसे पहले हम अपने जो कनेक्शन है उसको क्लियर कर लेंगे, और कनेक्शन के अंदर से हम जो है पाइप जो पहले से टैंक के साथ इंस्टॉल है उस पाइप को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे अंदर कि कोई इसमें स्टोन वगैरह कोई गारबेज स्टिक तो नहीं है। तो उसकी क्लीनिंग के बाद जो है हम पाइप का छोटा सा एक पीस जो है उसको कट कर देंगे, पाइप को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और वहाँ पे जो है हम अपना जो है सॉकेट उस पाइप की एक्सटेंशन अगर हमें रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम एक सॉकेट इंस्टॉल करके तो पाइप को एक्सटेंड करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पाइप की एक्सटेंशन चाहिए तो हम यहाँ पे जो है पाइप को एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा पीस लगा के। तो जो PPR वेल्डिंग मशीन है उसको प्रॉपर तरीके से हीट होना चाहिए, जब वो प्रॉपर तरीके से जो है हीट होगी तो हमारा जो जॉइंट है वो अच्छी तरह से लग सकेगा। ये देख सकते हैं आप मेल एंड फीमेल जो है वाटर मेल एंड फीमेल कपलिंग इसमें लगी हुई है वेल्डिंग मशीन में। इसको थोड़ा सा टाइम देंगे हम मशीन को, एटलीस्ट 10-15 सेकेंड इसको देंगे। तो उसके बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से जॉइंट लगा के एक पाइप का जो पीस है उसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। देखें यहाँ हमने इसको सॉकेट इंस्टॉल किया है, पाइप को एक्सटेंड कर रहे हैं। अलाइनमेंट वगैरह का आपको बड़ा ध्यान रखना है वेल्डिंग के, क्योंकि आपके पास पाइप को मैनेज करने के लिए ओनली 5-6 सेकेंड होते हैं, उसके अंदर हम पाइप को और सॉकेट को अरेंज कर सकते हैं। मशीन को अच्छी तरह क्लीन करना है आपने ताकि किसी भी तरीके से कोई जो है प्लास्टिक के ओल्ड वेल्डिंग के जो है कोई ज़रूरत ना हो, जिससे अच्छी तरीके से जो है वेल्डिंग की मशीन को क्लीन कर लेंगे। हमारे पास पीस रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं अंदर से देख सकते हैं। तो ये जो है हम यहाँ पे जो है PPR वाटर इनलेट पॉइंट जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सब प्रिपरेशन उसी की है, ये देख सकते हैं आप। इस पॉइंट को हमें एक्सटेंशन चाहिए तो हमने पीस तैयार किया हुआ है, ये देख सकते हैं मेल और फीमेल कपलिंग जो है इसके साथ होती है वेल्डिंग मशीन के, उसको अच्छी तरह से जो है हम फिक्स करके बैठा के कंप्लीट बैठा के जो है उसके बाद ये यहाँ पे हम जॉइंट लगा रहे हैं। देखें ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप, अगर हमारा जॉइंट जो है प्रॉपर लगेगा तो हमारे पास 0% चांस होगा लीकेज का। थोड़ी देर तक जॉइंट लगाने के बाद जो है अपने पाइप को पकड़ना होता है ताकि पाइप जो है उसका अलाइनमेंट सीधा रहे और हमें लीकेज का कोई भी खतरा ना हो। अभी हमारे पास ये सॉकेट लग गया है, यहाँ पे हम एल्बो लगाएंगे। ये जो पाइप हमारे पास दूसरा, ये हमारे पास वाटर मीटर पॉइंट तक जा रहा है। ये जो हमारे पास ओरिजिनल जो वाटर मीटर की लोकेशन है दूसरा पाइप वहाँ जो है ओरिजेंटल पाइप जो है हमारा वहाँ तक जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम उसी डायरेक्शन में जो है 90° एल्बो इंस्टॉल करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से पहले जो है मशीन आपकी जो है अच्छी तरह हॉट होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर जो है कंप्लीट होना चाहिए, देख सकते हैं। इसको भी हम तकरीबन 10 से 15 सेकंड जो है इसमें रखेंगे, उसके रखने के बाद जो है इसको प्रॉपर तरीके से जो है जॉइंट लगाएंगे। तकरीबन हमारा जो पाइप रेडी है वेल्डिंग के लिए इसको निकाल लेंगे आप। निकालने के बाद जो है तो प्रॉपर तरीके से देखें उसी जो पाइप और मीटर की जो डायरेक्शन है उसमें हम जो है इसको
इंस्टॉल कर दिए हैं, तो वजह इसको पकड़ के रखिए, डायरेक्शन में आ गया। अब हमारा पाइप जो है, जो टैंक इनलेट पॉइंट है, ये एक्सटेंड हो गया। इसका अलाइनमेंट चेक कर लें, लाजमी अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए एल्बो का। देखें अब यहाँ पे जो हम जो हमारे पास हॉरिजेंटल पाइप है PPR, इसको जो है हम वेल्डिंग करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो के साथ। मशीन हमारी जो है प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, कोई भी उसमें प्लास्टिक के जो ज़रात हैं वो नहीं होने चाहिए, ताकि हमें जो है लीकेज का कोई चांस ना आए। यह मशीन अच्छी तरह साफ़ हो गई है, तो हर दफ़ा जॉइंट लगाने से पहले लाजमी मशीन को क्लीन लाजमी करना है आपको। ये देख सकते हैं आप, दूसरी साइड का कनेक्शन हम बना रहे थे ये, तो इसकी वीडियो बीच में ऐड हुई। तो ये देखें आप, यहाँ पे हम इसको पाइप को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है इसको प्रॉपर हम जॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमारा जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली कनेक्शन है जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं जिस तरह हमारे पास सिटी वाटर जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वाटर जो आएगा हमारे पास, यहाँ से टैंक को फिल करेगा। तो ये टैंक फिलिंग की लाइन है, जिसे टैंक इनलेट पॉइंट भी कहते हैं। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखेंगे, ताकि इसका जो अलाइनमेंट है और जॉइंट है जो प्रॉपर बैठे। ये आप देख सकते हैं करीब से, एक क्लियर व्यू लेने का ये मकसद है कि आप प्रॉपर देख सकते हैं देखें मशीन में किस तरह से पाइप और जो है पाइप उसके साथ एल्बो फिट हुई है। इसका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये देख सकते हैं। थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना चाहिए, कि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये 5 सेकंड तक जो है बाहर आ सकता है। तो इसलिए इसको अलाइनमेंट में बिल्कुल, उसकी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये हमारा जो है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कनेक्शन टैंगलनेट पॉइंट का ये कम्प्लीट हो गया। ये देखें हमारे पास वाटर टैंक है जो अंडरग्राउंड में है, तो इसको जो बाहर सिटी वाटर आएगा ये इसको फिल करेगा। तो ये हमारे पास जो कनेक्शन हम बना रहे हैं, ये टैंक इनलेट पॉइंट का कनेक्शन है। ये देखें हम 10 से 15-20 सेकंड में हमें इसको अच्छा पकड़ के रखना है। ये देख सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर मीटर की लोकेशन तक जो है हमारे पास ये पाइप इंस्टॉल कर दिए। अब ये जो हम वाटर मीटर पॉइंट के पास से जो कनेक्शन है उसकी फिटिंग करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी एक्सटेंशन चाहिए हमें, क्योंकि बाउंड्री वॉल के बाहर लेके जाना है वाटर मीटर का पॉइंट। ये हमने पहले से देखिए EPS रखी हुई थी कंक्रीट के अंदर, इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो है यहाँ से हमारा ओपन स्पेस होगा, ये देख सकते हैं। ये हमने पहले से EPS रखी थी कंक्रीट के अंदर, ताकि हमें बाद में उसको जो है चीनिंग ना करना पड़े। देख सकते हैं ओपनिंग हमारी प्रॉपर जो है EPS रिमूव कर दी हमने। अब ये देख सकते हैं बाहर हमने इसको एल्बो लगा दी है। एल्बो लगाने के बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 मीटर का जो पाइप है वो एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारे पास जो ब्लैक पाइप है, ये UV प्रोटेक्टेड पाइप है। ये भी PPR पाइप है, लेकिन UV प्रोटेक्टेड पाइप है। इस पाइप से क्या है कि हमारे पास जो सूरज की शुआएँ हैं वो PPR पर असर नहीं कर सकती, और ये टोटली प्रोटेक्टेड पाइप है। यानी आप इसको ओपन भी रहेगा अगर सूरज की शुआओं में, तो ये पाइप ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, उसकी पावर में कोई कमी नहीं बाकी होगी। इस तरह ही देख सकते हैं हमें इसको और मशीन के अंदर डालने के बाद वेल्डिंग में कर दी है। इस पॉइंट को थोड़ा सा एल्बो को नीचे से लाजमी पकड़ना है, अच्छी तरह पुश करेंगे इसको, और 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक आप इसको बिल्कुल सीधा पकड़ के रखेंगे, तो हमारा जो है ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये भी जिस ग्रीन पाइप जो है अंडरग्राउंड रहेगा, ये जो ब्लैक PPR है ये UV प्रोटेक्ट PPR है, क्योंकि ये वाटर मीटर है, आपको पता है ये इसको सूरज की शुआएँ लग सकती हैं, इसलिए जो है स्पेशल पाइप हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारा ये जो कनेक्शन है कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। देखें वर्टिकल 1.5 मीटर हमने पाइप यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है,
अब बाद में हम जो है यहाँ पे इंफ्रा की लाइन जो हमारे पास आएगी वो इंस्टॉल करेंगे, वाटर मीटर इंस्टॉल होगा तो हमारा ये कनेक्शन जो है एक्सटर्नल वाटर सप्लाई हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं कंप्लीट होने के बाद आपने इसको लाजमी जो है प्रेशर टेस्ट देना है, थोड़ा सा और मारा आपका रिक्वायर्ड प्रेशर 6 बार है तो 9 बार पर टेस्ट करना है, रिक्वायर्ड प्रेशर 4 बार है तो आपको तकरीबन 6 बार पे आपने इसको बस सही है बस। तो हमारे पास ये देख सकते हैं अभी पहला प्रेशर तकरीबन 8 बार तक दिया है, 8 बार के बाद जो है थोड़ी देर 10 मिनट रुकेंगे तो एयर जो बबल्स होते हैं वो अपनी जगह बनाते हैं, इससे प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। तब दोबारा से हम इसको प्रेशर देने के बाद कंप्लीट लॉक कर देंगे। देख सकते हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी तरह की मैकेनिकल की मालूमात के लिए कमेंट कीजिए।